नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तेलंगाना सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 10% हुआ। तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्था और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। मौजूदा समय में राज्य में अजाचा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में 6% आरक्षण हासिल है। हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10% तक बढ़ाने का आदेश जारी करेंगे। अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में अजाजा समुदाय के 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया। सरकारी आदेश में कहा गया था कि बीते करीब 6 वर्षों से राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदना भेजी, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है। आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार उपयुक्त विदेश परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शिक्षण संस्थाओं में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 6% से बढ़ाकर 10% करने का आदेश देती है। कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को दे उचित मुआवजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 में से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए शनिवार को उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं। गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक से गुंडलपेट में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले कोविड के मरीजों के परिजनों से सदस्यों के बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो साझा करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री प्रतीक्षा के सुनिए, जिसे भाजपा सरकार के कोविड कुप्रबंधन के कारण अपने पिता को गवा दिया। गांधी ने कहा कि उसने अपनी पढ़ाई तथा परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पूछा, क्या कोविड पीड़ित के परिवार उचित मुआवजा पाने के हकदार नहीं है? वे उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? मृतकों के लिए परिवार के सदस्यों ने कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें प्रियजनों की मौत को कोविड मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया। इंडोनेशिया में भूकंप से एक व्यक्ति की मौत। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप शनिवार को शक्तिशाली भूकंप के कारण कांप गया। इस भूकंप के कारण सुमात्रा निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक घरों और भवनों के क्षतिग्रस्त होने से 11 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक 5.9 की तीव्रता वाला यह भूकंप सिबोल्गा से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया। यह भूकंप जमीन के 13 किलोमीटर नीचे आया। सूर्योदय से पहले आए इस भूकंप के बाद भी रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता वाले 2 झटके महसूस किए गए। तुरुंतुंग गांव में सुरक्षित भागते समय एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।